जी नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 30 सितंबर 2017 का राशिफल आइए जानते हैं। मैं हूं दीपक कपूर। मेष राशि वालों का अगर कामकाज में मन हटना शुरू हो जाएगा तो आपके बॉसेस की नाराजगी स्वाभाविक है। ऐसे में काम से जुड़ी चुनौतियों का बढ़ जाना चिंता का विषय हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनी रहेंगी क्योंकि हालात मददगार हैं। फिर भी अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी। कामकाज को आगे बढ़ाने के भी मौके बने रहेंगे आपके लिए। मिथुन राशि वालों की अपनी कोशिशों से आपके घर परिवार की खुशियां बनी रह सकती हैं। बस अपने मन में थोड़ी सी शांति बनानी होगी ताकि आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच को बढ़ावा ना दें। कर्क राशि वालों की अपनी मेहनत से आपके पैसे की स्थिति को बेहतर करने का समय है। काम से भी लाभ की स्थिति बनी रहेगी जो आपके अंदर एक नई प्रेरणा जगाएगी जिसके चलते आप बहुत कुछ कर पाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए नई बनती हुई संभावनाएं आपको बहुत लुभा रही हैं पर फैसला करना फिर भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अपने मन के भटकाव को काबू में रखने की तो जरूरत पड़ेगी। कन्या राशि वाले कई तरह के परिवर्तन करना चाह रहे हैं पर शायद उसकी जरूरत नहीं। यही वजह है कि रिश्तों को लेकर भी मन में संतोष नहीं। तुला राशि वाले किसी भी तरह का खतरा मोल बिल्कुल ना लें और अपने नुकसान की स्थिति को बढ़ाएं नहीं। इसलिए अपने पैसे को बहुत संभाल कर ही चलाना होगा। लोगों की नाराजगी को समझना तो पड़ेगा ही। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ तो बना हुआ है पर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कमी बहुत है। अच्छाई यह है कि आप मेहनत कर सकते हैं और मेहनत के रास्ते से कोई चीज़ आपको भटका नहीं सकती। धनु राशि वालों की हालात मदद करना चाह रहे हैं कि आप जिंदगी में अपनी मेहनत से कुछ अच्छा कर सकें पर सपने उतने ही देखें जिन्हें आप पूरा कर सकें। मकर राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं और ऐसा लाभ भी आपको मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद न लगाई हो। ऐसी परिस्थितियां भाग्य के आशीर्वाद से ही बनती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़ी दिक्कतें बढ़ी रहेंगी तो मन भी परेशान रहेगा। ऐसे में रिश्तों को संभाले रखने की जरूरत तो पड़ेगी ही। घबरा जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मीन राशि वाले ही समझ लें कि घर परिवार की अच्छी भली स्थिति को संभालना थोड़ा कठिन हो रहा है। आप अपनी गलतियों से अपनों को नाराज करते चले जा रहे हैं। ऐसे में विचारों का ना मिलना ये तो स्वाभाविक सी बात है जिसे बहुत शांति और संयम से ही संभालना पड़ेगा। एस्ट्रो तक में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।